नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्जिमा। एक्जिमा क्यों होता है और एक्जिमा कैसे होता है और एक्जिमा के कारण क्या क्या है और एक्चुअल में एक्जिमा क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और एक्जिमा के दौरान आपकी जीवन शैली यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो कैसे होनी चाहिए। अगर आपको एक्जिमा है तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो कैसे मेंटेन करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे दोस्तों, और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा एक चर्म रोग होता है। चर्म के अनेक रोग होते हैं दोस्तों। चर्म यानी कि स्किन के बहुत ज्यादा रोग होते हैं। स्किन का कभी भी संक्रमण हो जाता है तो उसके वजह से बहुत सारे स्किन के रोग होते हैं, तो उसमें से ही एक्जिमा एक ये रोग है दोस्तों। चर्म का एक रोग है जिसे हम एक्जिमा बोलते हैं दोस्तों। एक्जिमा है ये जो रोग है ये बहुत कॉमन है और ये जो एक्जिमा है ये बहुत जगह पे दिखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों में एक्जिमा ये बहुत कॉमन बीमारी है दोस्तों। तो एक्जिमा ये एक खुजली रोग है, यानी कि एक्जिमा किसी को भी है, किसी भी जगह पे अगर एक्जिमा है तो पेशेंट को उसको उस संक्रमण को उस इरप्शन को खुजाने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता। तो खुजली का एक रोग है जिसे हम एक्जिमा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एक्जिमा है ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है उबल जाना, यानी कि आपके शरीर पर किधर भी इरप्शन रहे तो उसको पेशेंट को खुजाना पड़ता है और वो जो शरीर पर लाल चकते के रूप में ये जो एक्जिमा है वो उभर आता है दोस्तों। ये कई बार जेनेटिक रहता है, यानी कि आपके पूर्वजों को अगर ये रोग है तो आपको भी आगे चलकर होने की संभावनाएं रहती है दोस्तों। तो दोस्तों स्किन इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा टाइप होते हैं, स्किन रोग के बहुत ज्यादा टाइप होते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला जो है एक्जिमा, दाद और खुजली, ये जो तीनों चीज है आपकी स्किन के रिलेटेड जो भी बीमारियां है, ये जो तीनों चीजें है ये बहुत अलग होती है दोस्तों। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो आपको एक्जिमा है, या फिर अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो आपको दाद है। तो एक्जिमा अगर बोलते तो उधर बहुत ज्यादा तीव्र खुजली होती है। तीव्र खुजली होने के साथ साथ उधर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होता है, इतना आपको खुजाने का मन करता है दोस्तों। तो ये जो अगर आपको उधर तीव्र खुजली है और उधर जो इरप्शंस है स्किन के ऊपर वो लाल ये सूखे चकतों के रूप में आपको दिखाई देते हैं, अगर आपको ऐसे इरप्शंस है, ऐसे स्किन है अगर आपके, तो आप इसे एक्जिमा बोल सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं दाद के बारे में। दोस्तों दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली फैलता है। जैसे अगर आप जिस व्यक्ति को संक्रमण है और उसका आप टॉवेल या फिर साबुन यूज करते हो तो आपको भी ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये त्वचा के बाहरी ऊपर होता है और यहाँ जो इरप्शन होता है स्किन के ऊपर वो गोल चकतों के रूप में होता है दोस्तों। उसमें भी खुजली होती है लेकिन उससे पपड़ी निकलती है दोस्तों। तो ऐसे अगर लक्षण है, ऐसे अगर सिम्टम्स है और ऐसी अगर आपकी स्किन है तो ये दाद हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो स्किन इन्फेक्शन है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है खुजली। खुजली ये सामान्य रूप से किसी भी प्रकार से होने वाली खुजली हो सकती है, जैसे कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उस वक्त अगर आपको खुजली होती है तो इसको हम खुजली बोलते हैं दोस्तों। खुजली का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता। अगर आपको एक्जिमा है या फिर दाद है उधर भी खुजली होती है दोस्तों। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से भी खुजली होती है दोस्तों। तो ये सारे तीन टाइप है, ये सारे तीन जो रोग है इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आपकी एक्जिमा अलग है, आपका दाद अलग है और आपकी खुजली जो है वो अलग है दोस्तों। दाद के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, तो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको दाद के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और खुजली यानी कि एलर्जिक खुजली है तो उसके बारे में भी मैंने दूसरे वीडियो में बात की है, उसमें मैंने आपको खुजली के लिए जो मेडिसिन है वो भी मैंने बताए हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये जो एक्जिमा है ये होता क्यों है। तो दोस्तों एक्जिमा के बहुत सारे कारण हैं। एक्जिमा का
जो मेन कारण है वो हमें पता नहीं है दोस्तों, लेकिन कहा जाता है कि ये जो एक्जिमा है ये अनुवांशिक होता है। जैसे कि अगर आपके माता पिता को एक्जिमा की प्रॉब्लम है या फिर माता पिता में से किसी एक को भी एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये संतान में बन जाती है, आपके बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है ये हो जाती है और उनको भी एक्जिमा की जो तकलीफ है वो देखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो कारण हम बोल सकते हैं वो है बैक्टीरियल। अगर आपको स्टेफेलोकोकस ओरस, ये एक बैक्टीरिया है, इसका अगर आपको संक्रमण हो चुका है तो उसके वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये आपके शरीर में एक्जिमा का प्रयोग कर, एक्जिमा का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है और आपको एक्जिमा जैसी तकलीफ हो सकती है दोस्तों। एक्जिमा के और भी कारण है दोस्तों, जैसे कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डैंड्रफ, मोल्ड या फिर परागकण या फिर घरेलू जानवरों के कांटेक्ट में अगर आते हो या फिर धूल मिट्टी के कांटेक्ट में अगर आप आते हो, उसकी अगर आपको एलर्जी है तो उसके वजह से भी अगर आपको एक्जिमा जैसी तकलीफ हो सकती है दोस्तों। उसका और नेक्स्ट कारण हम बोल सकते हैं दोस्तों, अगर आप ठंडे और गर्म तापमान में तुरंत आना जाना रखते हो, नमी युक्त और आर्द्रता युक्त वातावरण में आपको आपका बहुत ज्यादा संपर्क आता है तो उसके वजह से भी आपको एक्जिमा जैसी तकलीफ जो है वो हो सकती है दोस्तों। तो अगर आपको किसी भी खाद्य पदार्थ की अगर एलर्जी है, विशेष कुछ खाद्य पदार्थ रहते हैं जिसकी अगर आपको एलर्जी है तो उसके वजह से भी आपको एक्जिमा हो सकता है, जैसे कि सोया उत्पादन है या फिर गेहूं है या फिर अंडे है, नट्स है, मछली है या फिर सीसम के बीज है, तो इस प्रकार के फूड्स की अगर आपको एलर्जी है तो आपको एक्जिमा की तकलीफ जो है वो हो सकती है दोस्तों। अगर आप निकेल या कॉपर की धातुओं के जो भी आभूषण है वो पहनते हो, उसकी एलर्जी आपको है तो उसके वजह से भी आपको एक्जिमा जैसी तकलीफ जो है वो हो सकती है दोस्तों। तनाव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एक्जिमा होने का। आमतौर पर ये जो तनाव है ये आपके एक्जिमा के लक्षण जो है उनको बढ़ावा देता है, आपकी जो एक्जिमा है उसको बढ़ाता है दोस्तों। साबुन या फिर डिटर्जेंट का अगर आप अत्यधिक उपयोग करते हो तो उसके कारण भी आपको एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस में उतार चढ़ाव होता है तो उस दौरान भी एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है वो होती है, उस कारण भी एक्जिमा होता है या फिर बढ़ता है दोस्तों। महिलाओं में अक्सर मासिक धर्म के वक्त और गर्भावस्था के वक्त हार्मोनल चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और उस दौरान एक्जिमा के लक्षण जो है वो और ज्यादा तीव्र हो जाते हैं, एक्जिमा जो है वो और ज्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्जिमा के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों एक्जिमा के लक्षण होते हैं आपको बहुत ज्यादा खुजली होना, ये एक एक्जिमा का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट जो लक्षण हम बोल सकते हैं, खुजाने के बाद आपकी त्वचा जो है उस पर लाल चकते उभर आते हैं और छोटी छोटी फुंसियां भी उभर आती है और कभी कभी उधर सफेद प्लेक जो है वो भी बन जाता है दोस्तों। इसी के साथ आपके स्किन पर बहुत ज्यादा तीव्र खुजली है तो खुजलाने पर कभी कभी उधर से खून भी निकलता है दोस्तों। त्वचा पर जलन महसूस होती है, अत्यधिक खुजाने से बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और आपका चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाता है, अवसाद भी होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्जिमा के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के एक्जिमा आपको हो सकते हैं और कौन से टाइप जो है उसमें कौन सा फर्क है और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं दोस्तों। तो एक्जिमा का जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है हम उसे बोलते हैं एक्टोपिक एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है दोस्तों ये बहुत आम रूप होता है, बहुत कॉमन एक्जिमा होता है एक्टोपिक एक्जिमा। ये अक्सर बच्चों में दिखाई देता है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है जब वयस्क हो जाते हो तो आपका जो एक्जिमा है वो चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो एक्जिमा का टाइप है उसे हम बोलते हैं डिसिट्रोटिक एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है इसमें हाथ और पैरों में छोटे छोटे फफोल बन जाते हैं और ये महिलाओं में बहुत ज्यादा दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों एक्जिमा का वो है न्यूरोडर्मेटाइटिस। ये जो डर्मेटाइटिस है ये एक्टोपिक डर्मेटाइटिस के समान ही होता है, उसके जैसे ही ये डर्मेटाइटिस दिखता है और त्वचा पर उभरे हुए प्लेग युक्त चकते बन जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टाइप है एक्जिमा का वो है न्यूमुलर एक्जिमा। ये जो एक्जिमा है दोस्तों ये सिक्के के आकार में उधर चकते बन जाते हैं त्वचा पर और इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है दोस्तों। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों डर्मेटाइटिस का वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर आप किसी विशेष वस्तु को छूते हो तो उसके वजह से अगर आपके त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली आती है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो दोस्तों ये थे डर्मेटाइटिस के प्रकार। अब जानते हैं आपकी लाइफस्टाइल जो है, अगर आपको एक्जिमा है तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आपने क्या क्या
प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए। दोस्तों अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आपको आपके खान पान पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपको किसी चीज की एलर्जी है, किसी विशेष खाद्य पदार्थ की अगर आपको एलर्जी है, तो वो जो खाद्य पदार्थ है वो आपको खाना नहीं चाहिए दोस्तों। उसका जो है उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ आपकी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहाएं। अगर आपको गर्म पानी से नहाना ही है तो थोड़ी देर के लिए नहाएं, ज्यादा देर तक आप गर्म पानी से नहाएं नहीं, क्योंकि उसके वजह से आपकी जो त्वचा है वो उसका सूखापन जो है वो बढ़ जाता है और एक्जिमा की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है दोस्तों। आप केमिकल युक्त जो साबुन रहते हैं उसका प्रयोग ना करें, उससे भी आपकी त्वचा जो है वो बहुत ड्राई पड़ जाती है और एक्जिमा बढ़ने में संभावनाएं होती है दोस्तों। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हो तो उस तनाव से दूर रहिए, क्योंकि अधिक तनाव लेना आपके एक्जिमा को बढ़ावा देने के समान है दोस्तों। अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचे रहिए दोस्तों। अगर आपको बहुत ज्यादा धूप लगती है तो धूप के वक्त आपकी जो भी एक्जिमा की जो स्किन है उसे कपड़े से ढंग कर रखें दोस्तों। आप हमेशा केवल सूती कपड़े ही पहनने, अगर आप गर्म और ऊनी देने वाले कपड़े पहनते हैं तो उसके वजह से आपको खुजली की परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक्जिमा, एक्जिमा के लक्षण और एक्जिमा में आपकी लाइफस्टाइल जो है वो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो उनको पता चले कि एक्जिमा, दाद और खुजली इसमें क्या फर्क है और आपको एक्जिमा है ये आप आसानी से पहचान सकते हो दोस्तों। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी एक्जिमा के लिए आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो यूज कर सकते हैं और घरेलू कुछ उपाय भी मैं आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।